सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आई हूँ हनुमान जी का एक फिर से नया वीडियो, और इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताऊंगी कि जो लोग भी हनुमान जी की चालीसा का पाठ रोज करते हैं उनके जीवन में क्या क्या घट सकता है। देखिए हनुमान जी की पूजा पाठ करने वाले हर भक्त को हनुमान चालीसा कंठस्थ हो जाती है, यानी कि याद हो जाती है। एक तो हनुमान चालीसा बहुत सरल है और इतनी ज़्यादा पढ़ने में उसको आनंद आता है कि बच्चा बूढ़ा हर व्यक्ति उसे याद कर लेता है, और आसान भी है और समय भी कम लगता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है हनुमान जी की हनुमान चालीसा। आज आपको हनुमान चालीसा से जुड़े हुए कुछ ऐसे लाभों के बारे में बताने जा रही हूँ कि अगर आप हनुमान चालीसा का रोज़ाना पाठ करते हैं, डेली आप पूजा में उसे शामिल करते हैं, तो आपके ऊपर कौन से संकट, कौन सी परेशानियां कभी नहीं आएंगी, और हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको क्या क्या लाभ होगा, ये सब मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताने जा रही हूँ। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले भक्तों को कभी भी मानसिक अशांति का डर हो ही नहीं सकता। हनुमान चालीसा का जो पाठ करते हैं उनका मन जो होता है वो इतना निर्भय हो जाता है, उनके मन में असीम जो है वो संकटों से लड़ने की शक्ति आ जाती है, इतनी अद्भुत शक्तिशाली होती है हनुमान चालीसा। इंसान की शारीरिक ही नहीं मानसिक जो चेतना होती है उसको भी हनुमान चालीसा बढ़ाती है, और नकारात्मक सोच और शक्तियों का समन हनुमान चालीसा के पाठ करने से होता है। जब भी आपका मन घबराता है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो एक बात ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी रोज़ाना हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उनके मन में कभी भी मानसिक घबराहट, मानसिक अशांति, मानसिक असंतुलन हो ही नहीं सकता। ऐसे भक्त जो हनुमान चालीसा का रोज़ाना पाठ करते हैं उनका सोचने समझने का जो स्तर होता है बहुत उत्तम होता है, और उनके किए हुए निर्णय भी बहुत अच्छे होते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले भक्तों को एक और जो लाभ होता है वो ये है कि अगर आप हनुमान चालीसा का रोज पाठ करते हैं तो आपके परिवार में कभी भी कलह की स्थिति नहीं आती। अगर आपके परिवार में कलह की स्थिति बनी हुई है तो हनुमान चालीसा के पाठ से बेहतर आपके लिए कोई उपाय नहीं है। पारिवारिक अशांति मनुष्य के जीवन का बहुत बड़ा संकट होता है दोस्तों, और इस संकट से मुक्ति के लिए घर में हनुमान चालीसा का पाठ आप शुरू कर दीजिए। और जो भी भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उनके घर का वातावरण बहुत शांतिमय होता है, उनके घर में प्रेममय वातावरण होता है, बड़े छोटों से प्यार करते हैं, छोटे बड़ों का आदर करते हैं, और परिवार में जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। इस घर में हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना किया जाता है। एक और लाभ जो होता है जो हनुमान चालीसा के पाठ से, कि यदि आर्थिक संकट हमेशा घर में बना हुआ है तो हनुमान जी को अपनी व्यथा ज़रूर बताएं। देखिए हनुमान जी के सामने जब तक आप अपनी परेशानियां बताएंगे नहीं, उनसे कहें ज़रूर, वैसे तो बाबा सब कुछ जानते हैं लेकिन अपने मन की बात बाबा के सामने अगर आप रखते हैं तो उससे आपको शांति भी मिलेगी और एक मन में संतुष्टि आएगी कि मैंने अपने मन की बात किसी से कह दी, और उससे आपका मन भी हल्का हो जाएगा। अगर आपके घर में रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ होता है तो उस घर में धन के आगमन की जो बाधाएँ होती हैं दूर होती हैं, और घर में धन आने के मार्ग खुल जाते हैं। तो यदि आपके घर में आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा है तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। जिस घर में हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना होता है वहाँ कभी भी असाध्य रोग रह ही नहीं सकते। छोटी मोटी बीमारियां तो देखिए दोस्तों आती ही रहती हैं, शरीर है तो उसमें कभी अच्छा कभी बुरा ये सब तो लगा ही रहेगा, लेकिन अगर आपके घर में रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ होता है तो कभी भी उस घर में ऐसा कोई भी रोग नहीं आएगा जिसका इलाज
ना हो पाए। यदि आपके घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा आ गई हैं, पीछा ही नहीं छोड़ती, तो आप हनुमान जी से प्रार्थना करें बीमारी की मुक्ति के लिए और रोज़ाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा से आंतरिक शक्तियां मजबूत होती हैं, मन में आशा की किरण जागती है और शारीरिक बल प्राप्त होता है। इससे क्या होता है कि बीमारियाँ अपने आप भाग जाती हैं। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ अगर विद्यार्थी करते हैं तो उनकी शिक्षा जो होती है बहुत उत्तम होती है और उनके जीवन में चलने वाली परेशानियां खत्म हो जाती हैं। जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करते हैं उनके आत्मविश्वास में गजब की दृढ़ता होती है। कल में अपने रास्ते से भटकने वाले वो लोग नहीं होते हैं। उनमें जो सहने की शक्ति होती है, समझने की शक्ति होती है, सोचने की शक्ति होती है, वो गजब की होती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले भक्तों के चेहरे पे गजब का नूर आ जाता है, क्योंकि हनुमान चालीसा का एक एक जो पंक्ति है वो एक एक मंत्र से ज़्यादा आपको लाभदायक होती है। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी को प्रसन्न कीजिए और हनुमान चालीसा के पाठ से होने वाले लाभों को अपने जीवन में महसूस कीजिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा। और छोटा सा वीडियो है, कुछ तबीयत ख़राब है, इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो आपको बनाकर, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे, जो भी आपकी सच्चे दिल से प्रार्थना करे, आपकी आप उसकी हर मनोकामना पूरी कीजिए और उसके परिवार के ऊपर कभी संकट ना आने दीजिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।